up guys, good morning, welcome to my new vlog, welcome to my youtube channel Chanu Pandi। कैसे हो सब आप? और आज है संडे और आज संडे स्पेशल व्लॉग बनेगा और हम जा रहे हैं आज भी छोटी वाली ट्रिप पर जो हमारे जाम खंबालिया से है 33 किलोमीटर की दूरी पर और महादेव का मंदिर है। वैसे तो यहाँ के लोगों ने देखा ही होगा पर मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पर ही है पर फिर भी मैं कभी नहीं गई हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। शिवानी और जिगू भाई तो गए हैं आई थिंक, कब? नहीं, ओके, सिर्फ जिगू भाई गए हैं। बाजू में ये इतना दूर नहीं है पर कहते हैं ना कि जब महादेव की मर्जी होती है तभी जाना होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी, आज ट्यूशन गया था नहीं दी? क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी छूट गया। हाँ, धेई वैसे संडे को भी ट्यूशन होता है धेई का, पर धेई संडे को नहीं जाता है क्योंकि हम ही उसको नहीं भेजते हैं, क्योंकि एक ही संडे ही मिलता है ना उसको आराम करने के लिए, तो देरी से उठता है। तो क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो हॉलीडे ना, क्योंकि आज मुझे स्कूल में हॉलीडे है। यस, आज हॉलीडे है पर धेई गुड बॉय बनकर आज सुबह ट्यूशन गया था। हाँ। मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा है, नहीं थी? गुड बॉय है, गुड बॉय, गुड बॉय ना। तो कर दो फलो बोलो। मैं हो गई हूँ रेडी, अभी हो रही है रेडी शिवानी और जुगु भाई रेडी है और यहाँ हमारा सावज सो रहा है, आज जल्दी सो गया। ये देखिए पांडी की गैंग हो गई है रेडी और आज सब बाइक से जा रहे हैं। हाय चानू, हाय, रेडी? यो, चलो। तो अभी हमने ब्रेक ली, बजाना पार्टियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और ये सामने खड़ी है बाइक गौतम की, तो गैरेज में आए और हेलो गाइस, मुझे छोड़कर पी रहे हो तुम चाय? ये देखो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यार, ऐसा ही होना चाहिए। मूड तो ना तारू जो हमने इच्छा था, बीजू कहीं ना थी। हेलो गाइस, आज मैं एक नए मेरे बड़े भाई, नहीं मेरा छोटा भाई है, मेरे काका का लड़का है, वो मेरे से भी कुछ बढ़कर है कॉमेडी में और सबकी पट्टी उतारने में, तो मैं उससे मिलवाऊंगा। ये रहा डोंट और हमने ब्रेक लगाई चाय पीने के लिए दूसरी बार जेवा तेवा हाल हो गया है, अभी तक तो पहुंचे भी नहीं और काले धोले हो गए हैं। हाँ, और आज कार में नहीं आए तो आज भी मेरे वेशभूषा भी बहुत गंदे वाले हो गए हैं ऐसा मेरे को लग रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे बुरखा डाल रखा है। हाँ, पर मेरे पास तो वो भी कुछ डाला हुआ नहीं है क्योंकि मुझे मुंजारा होता है। और यहाँ पर हम अबर का लेने खड़े हैं। अरे चाय पीने, चाय चाय, अबर का बोलते चाय चाय, संबर का बोलते चाय, चाय पीने के लिए बैठेंगे विजय भाई, चाय चाय चाय। ना लबड़ा लबड़ा कर इधर लेकर आए हैं, अभी आ जाएगा ऐसा करके। हमारी ये बाबा हिंदी का मजा भी अंकल ले रहे हैं, मन में मलक मलक हो रहे हैं, अंकल का भी ले लो भाभी। ढाबा पे रुके भाई, कौन सा ढाबा है? आदेश होटल है, आदेश होटल, पर हम कभी आदेश से चलते नहीं है। और ये धुंधला धुंधला जो पवन चक्की के पीछे दिखाई दे रहा है वो है गोफ का पर्वत और उसके ऊपर है महादेव का मंदिर। तो ये बोर्ड आ गया गोपनाथ महादेव डूंगर तरफ जवानों रस्तो, हम आए हैं इस तरफ से, इस रास्ते से हम आए हैं और इस तरफ जाना है। बीच में बजाना देवरिया और भणगोर से होकर यह रास्ता आता है गोपनाथ महादेव। हाँ, ये अनिल भाई दिखा रहे हैं गोपनाथ महादेव का बोर्ड, इधर है, इधर इधर इधर
इधर, हाँ इधर। ये है पहाड़ और यहाँ ऊपर तक हमें बाइक लेके जाना है। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जानू ऑलरेडी केदार राइड करके आए हैं और यहाँ पे भी सब हैवी ड्राइवर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जिग्नेश का तो देखा हुआ है तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं आगे, जानू आगे जा रहे हैं। जाम खंबालिया के बाजू में ही है, इतना बेस्ट लोकेशन, पर मुझे नहीं पता था और आज हिम्मत कर ही ली। और वो दुआ देते हैं हम जिगू भाई को, क्योंकि वो कितने महीनों से बोल रहे हैं कि गोप लेके जाना है, लेकिन हम और बहुत सारी जगह जा रहे थे लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे थे। हाँ। आज फाइनली हम इनकी बात मान के गोप आ गए। वो देखिए सामने महादेव का मंदिर है, गोपनाथ महादेव का मंदिर ऊपर है और वहां तक हम गाड़ी लेकर जाएंगे ऊपर। आज कार लेकर नहीं आए, देखते हैं, सोच रहे कि अभी दूसरी बार आएंगे ना तो कार लेकर ही आएंगे। और ये देखिए नजारे, सच्ची में इतने मस्त नजारे हैं ना, और मुझे ऐसी जगह बहुत ही पसंद है, इसे पीसफुल कहते हैं। यहाँ शांति से अगर हम बैठे ना तो भी बहुत ही मजा आता है। और देखो बड़े भैया को मैंने विजय के साथ बिठा दिया और मैं अकेली गाड़ी चला रही हूँ। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, ऊपर से चढ़ाई शुरू हो रही है। क्या सुपर नजारे हैं, बिल्कुल केदारनाथ की याद आ रही है, बहुत ही अच्छे खूबसूरत नजारे हैं। और बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है। अब यहाँ से देखे तो ये सब नजारा देखो, ये गोपनाथ गांव है, गांव क्या गोपी गांव बोलते हैं। अनिल भाई मस्त व्लॉगिंग करना सीख गए हैं सच में। नीचे पैसा नु रखो मैं अभी। हाँ वो देखो ये रहा जी यार, और जानू आ रहे हैं नीचे से, वो देखिए पहली बार बता रहे तू फ्री मार। सो गाइस यहाँ पर ये चानू दी और गौतम आ गए हैं और गाड़ी को बहुत मार पड़ रही है ऐसा लग रहा है हमको, बेचारी गाड़ी एक्सेस। खींचो 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 लीवर खींचो। इसी तरह वो ऊपर तक जाना है, बने रहिए व्लॉग में। ब्यूटीफुल नजारे ऊपर से, के आजू बाजू में भी ऐसा नजारे है, ऐसे नजारे है। फिर से मेरी जीप बबड़ा गई अनिल, पर आ लोगों तो क्यों नीचे हाली ने उतरे छे, ए इको जाय हेलो अपने। आज गाड़ी की बैंड बजने वाली है। आप पहला गियर मत गाड़ी रखी जो से आ तो मैं तो स्कूटी लेने आई हूं, तो ध्यान रख दो बहु का एमा गियर ना होए ना। એટલે देखो ये दोनों कहां चढ़ गए, ये है गौतम भाई और ये है विजय भाई। जूम कर इनका जूम। सो हम यहां पर आ तो गए लेकिन जाना शायद मुझे नहीं लग रहा है, हाय इम्पॉसिबल है। छोटा अनिल यो का केज है। हाय हाय आई तो भाभी, ये रास्ते का सीन लो।
तो गाइस हम इधर से आए हैं, लेकिन अभी आ तो गए, चढ़ तो आराम से गए, लेकिन हम मुझे लग रहा है कि हम इधर से जाएंगे तो शायद देख दो के तो सूर्य पूरे शायद बैठ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं मयूर और विजय गौतम इनमें से कोई, मुझे लग रहा है कि वो क्या पाड़िया बनकर इधर बैठेंगे। तो मैं अपने परिवार वालों को निवेदन कर रहा हूँ, अगर हम इधर बैठ जाए तो हमको निवेद चढ़ाने आना। चलो ओके। કેવું લાગ્યું જાનો? હું ચડતા ચડતા એ જ બોલતી હતી કે કેદારનાથ નો રસ્તો આના કરતા ઘણો સહેલો છે, આના કરતા તો એ સારું છે। અગર થોડી સી ભી ગલતી હોય ના, वैसे लगता रहा है कि हम नीचे उतरेंगे ना तो लीवर ऐसे लगा लेंगे, ऐसे रुड़कते रुड़कते निकल जाएंगे। बंद गाड़ी उतर जाए, आराम से आराम से, बस एक ही ध्यान रखनी है, ब्रेक हाथ में रखनी है, नहीं तो राम राम सती होने में देर नहीं लगती। वो हाथी पूरा पूरा बैठ जाएगा। हाँ, सती सुरा पूरा यहाँ सब यहाँ खापी अलग जाएगी। हेलो, अगर जासो मंदिर है यहाँ, तो यहाँ फोन चेक किया, वो मैं ये पहले बारी मिली है। ओके, और ये पास वाली गौतम की है, ये बड़ी फोन चेक है ना, वो उसका मालिक है। ओके, और वो साइड वाली करण की है, छोटी वाली। ओके, काम बहुत कम कर रहा है ना। अच्छा, सही है सही है, उसको छोटी दे दी ना, नहीं बटकी छे એટલે વિડલા નહી ના હોય। ચાલ બરાબર બરાબર। તો એ પવન ચક્કી સે આપ કેટના મહિને મે ઓન કર લેતે હો? અની ભાઈ તો શાયદ વો ક્યા હવા ડાળ ડાળ કે એસે હી સબકુ જો હમકો દેતી રહેતી હે ઓર મહિને કી ઇનકો સેવા કે લિયે લગાઈ હે ના વો આતે જાતે કિસી કો ગરમી ના લગે ઇસલિયે હા વો ઇસકે લિયે વો વો ક્યા કી यहाँ पर बिजली और एसी सब की वो क्या बोलते हैं, बोलो तो सही कुछ ऐसा। यह रहा सामने गोपनाथ महादेव का मंदिर। जबरदस्त व्यूज के साथ देखिए ये नजारे कितने ही मस्त है। ये देखो नीचे से गाड़ी आ रही है, वहां से हमारे जिगजैग रास्ते हैं, देखो जिगजैग है। क्या बात है क्या बात है। કેમ ભાગે? બધાની બંધ જ છે, કેવાની ચાલુ ખાલી બ્રેક ઉપર થી પગ હટાડીએ ને તો ગોલી ની જેમ છૂટે કંટ્રોલ રાખવું બહુ અઘરું છે, જો કંટ્રોલ ના હારીએ ને ટાઈમે બ્રેક ના લાગે ને તો ગઈ સીધી રામ ભરોસે। અહીંયા વાગીએ છે પછી કોપી કેમ લાગશે તો નાસ્તા પાણી। અહીં ભાઈ આખું ચોર લીધી वो ऐसा है ना कि हम आ गए दर्शन करके और हमें बहुत ही मजा आया, हम सबने बहुत ही एंजॉय किया, और उसमें भी अनिल साथ में होता है तो आपको तो पता ही है कि दमासान वागरी जैसा वो क्या वेश है हमारा। और हम यहाँ पर आए हैं रिटर्न, गोपनाथ के दर्शन हुए हैं, उसके ऐसे बता रहे कि हमारे ग्रुप से वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? राइट राइट, हमारे ग्रुप से अभी राजेश भाई नहीं आए हैं हमारे साथ, मित्तल भी नहीं है, तो उन लोगों का वीडियो कॉल आया था, तो बस हम नॉर्मली वीडियो कॉल से बात कर रहे थे, तो बहुत ही मजा आया। और क्या हुआ कि हम आभापरा गए थे ना,
तो वहाँ जाकर हमारे पैर बेवड़े चौड़े हो गए थे, हवा निकल गया था। तो यहाँ हमारे पैर बेवड़े चौड़े नहीं हुए हम सभी के, खास करके अनिल मेरा, मेरा तो नहीं हुए लेकिन गाड़ी बेवड़ी चौड़ी हो गई, गाड़ी के टायर बेवड़े चौड़े हो गए। लेकिन क्योंकि गाड़ी को गोपनाथ चढ़ाते चढ़ाते बहुत ही बर करना पड़ा, गाड़ी पहले गियर में ही चढ़ती है ऊपर, लेकिन रिटर्न उतरेंगे तो कोई भी गाड़ी चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका पेट्रोल बचेगा। तो क्योंकि आप भी एक बार जाना, और ब्लॉग अभी भी आधा ही हुआ है, आधा पौना ही हुआ है अभी। यहाँ पर अभी टी पोस्ट के लिए रुके हम लोग, तो मुंबई आइसक्रीम का होटल का नाम है। हाँ, हम चाय पीने के लिए रुके हैं, कुछ राधे कृष्ण होटल का नाम है। हमने जब गाड़ी उतारी ना, हम जब नीचे उतरे ना, तो गाड़ी चालू नहीं थी, बंद गाड़ी से ही हम नीचे उतरे। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया, बहुत ही जोरदार डांडिया रास गीत बज रहे हैं और हमारा मन इधर खिलने का हो रहा है। लेकिन हम फ्रेश होके, शायद ऐसा होगा तो हम एक राउंड लगाएंगे सिक्स स्टेप का। चलो तो गाइज, हम आ गए घर, और ये देखो मेरा धीई होमवर्क कर रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ कि धी चलो हम व्लॉग का एंड करते हैं साथ में, तो मुझे मेरा गुड बॉय बोल रहा है कि नहीं मैं पहले होमवर्क कर लूँ। नहीं धी, हाय धी, हाय, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। तो तुम व्लॉग एंड करोगे मेरे साथ? नहीं, मैं पहले होमवर्क करूँ, बाद में। बाद में ठीक है, चलो तो मैं अकेली कर लूँ। हाँ। कि तुम्हारी वेट करूँ मैं? कर अकेली कर लूं? हाँ। ठीक है, चलो देखो ये मैंने कैसे लिखा है। ओ हाँ, दे होमवर्क में सीख रहा है जिग्नेश भाई। हाँ। दे जिग्नेश भाई पांडी, इसमें जे जे आई जी एच बी एच ए आई बोल दिया है, मुझे बार बार देते हैं। ओके, कल नहीं देंगे, आज पूरा कर लो, फिर कल नहीं देंगे, ठीक है? हाँ। कल से नया स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, हम आ गए घर और बहुत थक गए हैं, बहुत ही मजा आया, और मैं पहली बार गई थी तो मुझे वो प्लेस बहुत ही अच्छा लगा। और महादेव का स्थान जहाँ हो वो जगह पीसफुली होती है, और जहाँ मंदिर हो, कोई भी मंदिर जाओ ना, तो मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पर, काफी शूट किया है आपने, आगे देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको भी। ठीक है गाइस, तो चलो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ढेर सारी लाइक करना, और प्लीज चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले सब्सक्राइब करना, और अभी तक जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो प्लीज पहले इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, क्योंकि वहां पर आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा और सपोर्ट। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अनदर व्लॉग में। जय माता दी, महादेव, टेक केयर।